ठीक है चलो. सो लुक एट द पीडीएफ. सेशन टू में हमको जाना है, राइट? इन सेशन टू जो शुरुआत है वो वी लुकअप एच लुकअप से है, विच इज लाइक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, राइट? आप लोगों ने ओपन कर दी फाइल पीडीएफ, यस एंड एनीवेज लेट मी ऑल्सो शेयर द स्क्रीन. ओके, सो वी लुकअप. तो वी लुकअप का क्या लॉजिक होता है? वी लुकअप का क्या लॉजिक होता है कि जब हमको क्रॉस रिफर करना है, सी लुक एट दिस, जो हमारा ओरिजिनल एग्जांपल चल रहा है ना, टीम, कंट्री, चैंपियंस लीग, गेम्स, पॉइंट्स. सो उसमें सपोज कोई दूसरा मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ और उसमें लाजियो और बोरूजिया, ये दो टीम्स है, राइट? और उसके लिए हमको कंट्री लिखना है, चैंपियंस लीग लिखना है, गेम्स प्लेड, पॉइंट्स अर्न. सो इन दिस केस वी कैन यूज़ वी लुकअप. इन दिस केस वी कैन यूज़ वी लुकअप, राइट? तो सिंटेक्स क्या है देखो यहाँ पे, वी लुकअप एच फोर मतलब वी लुकअप लाजियो, फिर सेमी कॉलन बी फोर से लेके एफ ट्वेल्व, मतलब ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया बी फोर से लेके एफ ट्वेल्व, एंटायर टेबल, एंटायर एरे वी आर सिलेक्टिंग, राइट? और फिर ये इंडेक्स नंबर है टू. टू मतलब क्या कि जहाँ से ये चालू हो रहा है, एंड वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि जो रेफरेंस है वो पहली कॉलम में ही होना चाहिए. यहाँ पे सपोज ये लाजियो या बोरूजिया जो भी है वो अगर यहाँ पे होते सब, तो यहाँ से सिलेक्शन चालू करना पड़ता. सो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट बीइंग द फर्स्ट कॉलम, और वो कॉलम को गिन के, सपोज हमें यहाँ क्या चाहिए, कंट्री चाहिए, तो ये कॉलम को गिन के ये क्या है, दूसरा है, तो इसलिए टू. और फॉल्स मतलब वी वॉन्ट एन एग्जैक्ट मैच, के वही का वही एग्जैक्टली होना चाहिए. अप्रोक्सीमेट मैच की एप्लीकेशंस है वो हम देखेंगे. सर आपका स्क्रीन फ्री हो चुका यस सर, वो पहला वाले स्क्रीन दिख रहा है जहाँ पे सारे अच्छा, फाइल्स हैं ना. ओहो ऐसा है, एक मिनट. हाँ यस सर. मैं पूरा शेयर स्क्रीन शेयर करता हूँ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ ये विंडो शेयर करता हूँ तो प्रॉब्लम होता है. अब ठीक है? हाँ सर. यस सर. हाँ, सो लुक एट दिस पेज फाइव इन द पीडीएफ फाइल, के इसने क्या किया, ये जो इनपुट्स है, वी लुकअप एच फोर, ठीक है, मतलब वी लुकअप लाजियो, फिर कॉमा, फिर ये पूरा सिलेक्शन. उसमें वो सर्च कहाँ करेगा, फर्स्ट कॉलम में करेगा, जहाँ पे भी लाजियो लिखा होगा वहाँ से टू मतलब कंट्री. और फॉल्स मतलब वी वॉन्ट अ एग्जैक्ट मैच, ठीक है. अप्रोक्सीमेट मैच का भी एप्लीकेशन होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले ही एग्जैक्ट मैच वाले ही करेंगे. सो नाउ लेट अस एक्चुअली डू दिस, अपने देखते हैं. आप लोग अनसॉल्व निकालो वी लुकअप वाली फाइल. दो शीट्स है वी लुकअप एच लुकअप. करी ओपन. यस सर.
तो सपोज हियर वी वांट कंट्री, सो मेरे साथ आप करो इज इक्वल टू वी लुकअप, राइट, लुकअप वैल्यू मतलब ये, फिर टेबल एरे मतलब ये पूरा सिलेक्शन, और ये फास्ट सिलेक्ट करना है ना, देखो बोरूज यहाँ पे आप जाओगे तो कंट्रोल शिफ्ट राइट करने का, कंट्रोल शिफ्ट राइट तो 71 तक जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट करके ही डाउन तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, राइट, तो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब ये फर्स्ट कॉलम को गिन के हमें क्या चाहिए, तो कंट्री चाहिए मतलब सेकंड, एंड व्हाट वी वांट इज एग्जैक्ट मैच. एंड देन एंटर. तो ये इटली आ गया. आ रहा है? यस सर, आ गया. आया ना? अच्छा, नाउ बिकॉज वी वॉन्ट टू ऑल्सो डू दिस फॉर बोरूसिया, तो हमने ये जो लाजियो के लिए किया उसमें ये जो टेबल है B4 से F12 वो तो कॉमन रहने वाला है, तो उसको डॉलर कर दो. और फिर यहाँ पे कंट्रोल डी करोगे या ड्रैग करोगे, देन इट विल वर्क वेल. Understood? Yes, sir. Right? अच्छा, फिर ये चैंपियंस लीग के लिए हमें करना है, ये हमें चैंपियंस लीग के लिए करना है, राइट, तो क्या कर सकते हो, चेंज क्या करना पड़ेगा, कमांड यही रहेगा, बट यहाँ जो टू था ना उसके बदले आपको 3 करना पड़ेगा, राइट. और उसमें ये रेफरेंस भी अगर चेंज नहीं करना है लाजियो वाला, तो एच के आगे मैं डॉलर कर सकता हूँ. इसको ड्रैग करते हैं, राइट, और यहाँ पे 2 के बदले 3, फिर 4 और फिर 5. आया ऐसा? आ रहा है? हाँ, आराम से करो. सर एक डाउट है. हाँ बोलो. फॉल्स से हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सॉरी, ये फॉल्स. हाँ, वो पता चलेगा. फॉल्स मतलब क्या कि यहाँ पे जो लिखा है ना लाजियो, वो एग्जैक्ट मैच ही होना चाहिए, जबकि ट्रू है ना तो क्लोजेस्ट मैच होगा तो भी चला लेगा. अच्छा, ऐसा होता है. देखो ये लाजी कर दिया मैंने, तो एन एन ए सब हो गया. इट वॉन्ट्स एन एग्जैक्ट मैच.
एग्जैक्टली हाँ फॉन्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्पेलिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। अच्छा आप लोग करो, तब तक मैं कुछ डाउनलोड करता हूँ डेटा फाइल, और उसमें से फिर हम ट्राई करते हैं। हो गया वो वाला? हाँ कोई इश्यू है? आयुषी हो गया ना? ठीक है, अभी मैं ये डेटा शीट भेज रहा हूँ। सी इसमें सिंपली व्हाट वी वांट टू डू इज सपोज स्टेट जस्ट वांट टोटल केसेस
एंड टोटल डेथ्स। इतना करके दो सर। या यू कैन सी माय स्क्रीन? सो स्टेट टोटल केसेस एंड टोटल डेथ्स वो मुझे यहाँ पे बिहार, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। हाँ हो जाए तो बताना। एंड सी वो जो हम डॉलर करते हैं पहले से उसका आप लोग इंसिस्टेंस रखना। ऑल्दो यू कैन डू इट विदाउट यूजिंग डॉलर बट अगर अच्छे से प्रोग्रामिंग करना है तो उससे कंफर्टेबल हो जाओ आप रेफरेंसेस फ्रीज करने में।
डन सर। ओके हाँ सर ठीक है ना। लेट मी ऑल्सो डू इट। स्क्रीन स्क्रीन मेरा फ्रीज हो गया है। एक मिनट अब ठीक है। यशवी यू कैन सी इट? नो नो सर आई कैनॉट सी इट। क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? सर जो पहले वाला स्क्रीन था ना जहाँ पे आपने एक बड़ा क्वेश्चन लिखा था। अच्छा अच्छा ओके 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 जस्ट अ मोमेंट। अब ठीक है? हाँ सर ये सब ठीक है। हाँ ये नंबर सारे ठीक है ना? ओके सी इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मतलब ये फंक्शन जो है ना
मान लो ये जो हमारा डेटाबेस है उसमें अगर स्टेट सपोज सेकंड कॉलम में होते, राइट, और पहला कॉलम टोटल केसेस होता, तो प्रॉब्लम होता था, हमको ये टेबल को रिवर्क करना पड़ता और स्टेट्स पहले कॉलम में डालने पड़ते। दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस, बट आई थिंक वी कैन हैंडल इट अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है ना? ओके तो जब डेटा आपको ऐसा वर्टिकली दिया है तो ये वी लुकअप होता है, और अगर हॉरिजेंटल की ज़रूरत पड़े तो देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एच लुकअप, राइट। तो एच लुकअप में सेम लॉजिक आएगा, बट व्हेन द डेटा इज लेड आउट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट तब एच लुकअप यूज कर सकते हैं। देखो अपनी पीडीएफ फाइल, देखो अपना जो पीडीएफ फाइल है, लुक एट पेज नंबर 9, 9 और 10 पेज नंबर आप देखो। सी टेबल तो वही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो है टीम जो है, लुक एट द टेबल, सॉरी पेज 10 पे जो है, 10 और 11 पे ये जो डेटा है वो आपने देखा पूरा वर्टिकल हो गया है। टीम बोरुसिया मिलान, मैनचेस्टर यूनाइटेड, हैमबर्गर, कंट्री, चैंपियंस लीग, गेम्स प्लेड, पॉइंट्स अर्न्ड, समझ रहे हो? हाँ फिर मान लो मिलान का हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, एच लुकअप, फिर मिलान सिलेक्ट किया, फिर ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया, राइट, और फिर ये जो पहला रो है बोरुसिया मिलान मैनचेस्टर, वहाँ से गिन के कंट्री कौन सा है, सेकंड रो है तो इसलिए 2 लिख दिया, और फॉल्स तो लिखेंगे, राइट। समझ रहे हो? हाँ सर। ओके सो लेट अस डू इट इन अवर एक्सेल शीट, अपनी जो एक्सेल शीट है उसमें करते हैं। वही अनसॉल्वड ही देखो एच लुकअप वाला होगा यहाँ पे, इसमें हम करते हैं।
हो गया। डन। उसको सेकंड तो ओके। मिस्टर डन, डन बोथ ऑफ यू। अच्छा यस सर। चलो बढ़िया है। सो नाउ ये वाला एक्सरसाइज आप पकड़ो। देखो आपके जो फोल्डर है ना, उसमें जो 61 वी लुकअप एच लुकअप एक्सरसाइज है ना अनसॉल्व, वो सॉल्व करना चालू करो। इट्स अ गुड एक्सरसाइज। एच लुकअप वी लुकअप हम जो सीखे हैं, अगर ये करोगे तो इट इज गुड वैलिडेशन।
हाँ सर हो रहा है।
सर यस सर हो रहा है बट जस्ट 2 मिनट्स मोर। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है बस थोड़ा स्लो चल रहा है। सर मैंने ना एच लुकअप में ड्रैग डाउन किया तो पूरा NA आ रहा था, मतलब बहुत। हाँ जी। ओके वो तो मैंने किया था सर। हाँ नीचे की तरफ ड्रैग किया था। हाँ, वही हुआ था। अच्छा ओके, उसको फिक्स कर देने का वही। ओके ओके डन सर। यस हो गया। हाँ सर ओके। हाँ हाँ सर। यस सर
हाँ सर। सर बट ये यूज किस चीज के लिए होता है? इट इज जस्ट सिंपली सिलेक्टिंग ना ऑल ऑफ ऑल दिस। ओके। ओके ओके। गॉट इट। हाँ सर। सर आपने क्या सिलेक्ट किया था एक्चुअली? वो दूसरा स्क्रीन था तो दिखा नहीं मेरे को प्रॉपर। ओके। ओके ओके सर। गॉट इट।
ओके सर। हाँ सर, यस सर।
हाँ सर, हो गया। अच्छा, वो कन्वर्ट भी कर। डन सर। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। नहीं सर। नहीं सर।
हाँ यस सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके नो प्रॉब्लम ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर।